हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी वन। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आपका 2 से 3 अंकों के लिए ही पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन है, μ0 ε0 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बाकी का आपका कुछ भी दिया नहीं रहता है। तो इसका हम देखने वाले हैं कि इसे मतलब इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो समझिएगा थोड़ा सा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट जो है 95% का है, तो 95% दोस्तों ऐसे नहीं आएंगे, हमें हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, कहा गया कि μ0 ε0 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए कि μ0 का मान क्या होता है, ε0 का मान क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम हल करेंगे यहां से। तो लिखेंगे सबसे पहले μ0 का मान क्या होता है, तो ये आपका होता है 4π, क्या होता है 4π गुणे 10⁻⁷, और यहाँ पर दोस्तों इसका मात्रा लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये होता है μ0 का मान, ठीक है। μ0 का मान आपका हो गया 4π गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर होता है ये। तो यहाँ पर आपका ये एक मान आ गया। अब आपने अगर कूलाम का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, वैसे तो पढ़े ही होंगे क्योंकि मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, और आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आपने अपने से भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमारी हो गई μ0 का वैल्यू, ठीक है। अब बात करें कि ε0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपका होता है 1/4π ε0, ये आपका कूलाम का नियम जब आप पढ़ेंगे तो आया होगा। तो इसका मान देखिए क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁻⁹, और ये इसका मात्रक जो होता है न्यूटन और मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हमें चाहिए ε0 की वैल्यू, तो हम इसको देखिए अलग कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए ε0 की वैल्यू, ठीक है। तो ε0 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर ε0 को इधर ले जाएंगे, और ये जो आपका 9 × 10⁹ है, तो इसको यहाँ पर इसके 1/4π के गुणे में ले आएंगे, तो ये आपका बचेगा 1/4π और गुणे 9 × 10⁹, और यहां पर देखिए इसका मात्रक बदल जाएगा, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका आया ε0 की वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि μ0 और ε0 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों का हम करवा देंगे, इनका और इनका दोनों का गुणा करवाएंगे। तो देखिए जब गुणा करवाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर मतलब कि ε0 और μ0 का गुणा करवा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा μ0 × ε0 = अब μ0 की वैल्यू क्या है आपकी 4π और गुणे 10⁻⁷, ठीक है, इसका हम गुणा करवा रहे हैं 1/4 यानी ε0 की वैल्यू से। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, 1/4π × 10⁻⁹, ठीक है, इस प्रकार से। तो 4π आप देख सकते हैं, 4π से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका μ0 ε0 और इक्वल टू यहाँ पर 10⁻⁷ है, ठीक है, तो ये आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/5 इसके बटे में जब हम लाएंगे तो 9 × 10⁹, तो माइनस का है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर क्या है माइनस का है, यानी अंश में जो है वैल्यू 10⁻⁷ में है, लेकिन जब ये इसे हर में लाएंगे तो देखिए हर जब आएगा नीचे लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि इसके साथ घात में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा μ0 ε0 = 1/5 और यहाँ पर 9 × 10⁻⁷, ये देखिए 9 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा μ0 ε0 = 1/5, और देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी होल ऑफ स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ जो 8 होता है, ये होता है प्रकाश की चाल, यानी सी इक्वल आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो यानी कि क्या है, प्रकाश की चाल के बराबर आ गया। तो जब प्रकाश की चाल के बराबर आ गया, देखिए इसे पूरा समझ लीजिएगा, आपका MCQ क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। तो ये होता है μ0 ε0 = 1/5 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से सी की वैल्यू चाहिए, तो भाई साहब सी की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर सी को इधर लाएंगे और इसको इसके बटन पहुँचा देंगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर हम यहाँ पर ले आएंगे और इक्वल टू अपान, इसके अपान में कर देंगे μ0 और ε0।
तो आप ध्यान दीजिएगा, अब हमें ओनली सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर है, तो जब हम सी का स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा, यहाँ पर रूट में हो जाएगा वन अपान म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो यही इनके दोनों के बीच रिलेशन होता है। और आप देख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सी यानी प्रकाश की चाल और आपका म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में रिलेशन दीजिए, तो आप यहाँ तक करेंगे। अगर कह रहा है कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो की मान ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ तक कर दीजिएगा, तो भी आपका यहाँ तक सही माना जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से समझ लेना, काफी सिंपल सा स्टेप है, इसमें कुछ भी आपका कठिन नहीं है। ओनली आपको ध्यान देना है मात्रक का और आपकी वैल्यू का, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके दोस्तों यहाँ पर तीन अंक जो आपके आएंगे, तीन अंक का क्वेश्चन आएगा, वो बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।